इबादत को इबादत इसलिए कहा जाता है कि इसमें बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने भिजा देता है, अल्लाह के सामने गिरा देता है, अल्लाह के लिए तजल्लुल इख्तियार करता है। तो बस ये तजल्लुल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मज़ मकबूल हो जाता है, अल्लाह इस तजल्लुल की वजह से उसको इज्जत अता कर देती है। इसलिए कि हदीस में आता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते हैं।